अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज हम दोबारा मौजूद हैं मिस्टर इमरान मेमन के पास, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड। और आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इंडेक्स के बारे में सवाल करेंगे और कुछ कंपनी के बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले हमारा सवाल है कि जैसे कल एक रिपोर्ट आई थी एक ब्रोकरेज हाउस से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, ये जो मार्केट है वो 52 पॉइंट्स तक हो जाएगा, इंडेक्स है वो 52 पॉइंट्स तक हो जाएगा 52,000। उसके अलावा भी पहले भी आरिफ अबीब की रिपोर्ट आई थी कि मार्केट 62,000 तक हो जाएगी, इंडेक्स है वो 60,000 तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रिसेशन हो गया, हमारे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को या किसी भी एनालिसिस को जो है ना वो ना अपोज किया है ना ऑफेंड किया है। हर एक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक कोई रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है या कोई कॉल रिलीज कर रहा है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं जिससे शायद आप समझ जाएं कि अगर एक ग्लास में हम पानी भरते हैं और उसमें हमने उसको आधा फुल रखा हुआ, तो आप उसको देख रहे होंगे कि ये आधा खाली है, मैं उसको देख रहा हूँ ये आधा फुल है, बात दोनों की सेम है, बट ये एक नेवर एंडिंग डिबेट होगी और उस पर सिर्फ एक सिर्फ डिस्प्यूट हो जाएगा, उसका एंड रिजल्ट कोई भी नहीं होगा। इसी तरह से जितने लोग मार्केट में कोई भी कॉल दे रहे होते हैं, वेदर इट्स अ बाय और अ सेल, तो वो अपनी एक सर्टेन रीडिंग के हिसाब से दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक डिफॉल्ट वाला थ्रेट था वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह करे कि ये हम डिफॉल्ट में ना जाएं, लेकिन अभी तक जो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे सो फार ये नज़र आ रहा है कि वी आर एबल टू एस्केप दैट डिफॉल्ट। और उसी के बेस पे जो है ना बहुत सारे लोग मार्केट में एक बुलिश रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ डिफॉल्ट के साथ साथ जो जो दूसरा फैक्टर था कमोडिटी प्राइसेस का, स्पेशली एनर्जी प्राइसेस का, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था हम सब के लिए, चाहे कॉमन मैन हो चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक के लिए मसला बन गया था कि किस तरह से वो ऑयल प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस को जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा अपनी बैलेंस शीट्स में। अपने अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मैं भी ये सोच रहा था कि भाई एक सर्टन अमाउंट मेरे घर के बिल की आती थी या मेरे मंथली फ्यूल की होती थी वो 3 टाइम्स हो चुकी थी, तो जाहिर है हर कोई परेशान हुआ हुआ था। लेकिन अभी जिस तरह से स्पेशली क्रूड ऑयल नीचे आया है या कोल प्राइसेस नीचे आई हैं, अभी नेचुरल गैस उस तरह से नीचे नहीं आया, बट जिस तरह से ये दो कमोडिटीज़ नीचे आई हैं तो एक्सपेक्टेड है कि एक रिलीफ मिल सकता है। तो ये और तीसरा फिर जो हमारा पाकिस्तान रुपी जो डिप्रिशिएट हो रहा था उसमें एक ब्रीदर हमें मिला है, और वो आज भी मेरे ख्याल से शायद अगर हम बात करूँ तो यस 221.90 पे जो है वो आज का डे इसने क्लोज किया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। तो ये कलेक्टिवली चीज़ें हैं जिसके बेस पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो ये बुलिश कॉल्स दे रहे हैं। अगेन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कॉल्स जो हैं वो हमने एक साल पहले भी देखी थी, 2 साल पहले भी देखी थी, बट उसमें चीज़ें फिर जिस तरह से फैक्टर्स चेंज हो गए, 2 साल पहले हमने कोविड देखा, उसके बाद फिर इसी साल जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखी, उससे पिछला वाला साल हमने भी कुछ अनसर्टेनिटीज़ देखी थी जिसमें सबसे ज़्यादा तो कोल प्राइसेस ने हमें हिट किया था। तो ये सारे एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अनफोर्सिंग होते हैं, जो शायद किसी को नज़र नहीं आते, तो वो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो व्यू चेंज हो जाए। अगर मैं एक
मेरी नाकस राय ये है कि यहाँ से शायद क्रूड ऑयल जो है वो ज़्यादा ना टूटे, यहाँ से शायद हो सकता है कि 10 या 12% इसमें एक बाउंस आ सकता है। तो अगर वो बाउंस आता है तो मे बी वो जो थॉट प्रोसेस है कि मार्केट इतना ज़रा बूम कर जाएगी, हो सकता है कि उसमें कोई रिवीजन आए। दिस इज माई टू सेंट्स। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑटो सेक्टर के बारे में। जैसे ताइवान जो है वो एक ऐसी ऐसा कंट्री है जो कि सेमीकंडक्टर चिप प्रोवाइड करता है ऑटो सेक्टर्स को। अभी वहाँ पे जो चाइना और ताइवान और यूएस के जो मसले चल रहे हैं, तो अभी ऑटो सेक्टर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैंने शायद लास्ट अपने इंटरव्यू में भी बात की थी कि जो मेरा हमेशा फोकस रहता है वो एक ही रीडिंग पर रहता है, चाहे मैं लोकल मार्केट को देख रहा हूँ या मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को देख रहा हूँ, और वो है टेक्निकल एनालिसिस। एंड बेस्ड ऑन दैट रीडिंग ना मैंने समझता कि ऑटो सेक्टर में कोई फर्दर डाउनसाइड ड्रास्टिकली आ सके। हाँ, एक अपसाइड मूव, एक अच्छी अपसाइड मूव हम दे सकते हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में, सेलेक्टिव कंपनीज में, जैसे गंदारा निशान है या गंदारा इंडस्ट्रीज है, इनफैक्ट PSMC है। Sorry to interrupt you, but why PSMC, Park Suzuki Motors Company? क्योंकि जैसे कि ये companies हैं अभी जो bookings हैं अपनी client की वो भी cancel कर रही हैं, इन जो car की जो prices हैं वो इतनी high हो गई हैं, तो जब demand कम हो जाएगी तो ये company तो loss में जाएंगी, उनके जो stocks हैं उनके उन पे भी negative impact ही आएगा। ठीक है, agreed, उससे मैं disagree नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसी सवाल को ना मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। जब कोई कंपनी एक माइंड बॉगलिंग प्रॉफिट देती है और डिविडेंड भी अनाउंस करती है, तो क्या उसका इमीडिएट रिएक्शन हमने उस तरह से मार्केट में देखा है? 90% केसेस में शायद एक या दो दिन देखा, उसके बाद मार्केट अपने आप को नीचे एडजस्ट कर देती है। लोकल तो शायद आपको मैं उस तरह से एग्जांपल्स ना दे सकूं, जैसे फरवरी में हमने देखा था कि लास्ट इंटरव्यू में मैंने बात की थी कि हमने फरवरी में देखा था कि OGDC और PPL की बात हो रही थी कि भाई इसमें ये डिविडेंड गवर्नमेंट जो है वो उसमें अनाउंस करेगी और ये गेम चेंजर बन जाएंगे। मेरे ख्याल से 94 या 96 का शायद OGDC ने हाई लगाया, एंड टुडे इट्स ट्रेडिंग एट 85-86। 78 का शायद इस करंट फॉल में इसने एक लो देखा था। तो अगर वो गेम चेंजिंग थ्योरी होती तो इसको 85 की जगह 185 ट्रेड करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम एग्रो फर्टिलाइजर्स की बात करें या EPCL की बात करें, हाई डिविडेंड यील्ड इनकी बनती है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि जब वो गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स अनाउंस किया तो सबसे ज़्यादा इनको जो वो हिट पड़ रही थी, एंड दैट डीरेल्ड द होल सेंटिमेंट, और उसने उस डिविडेंड पेइंग जो फैक्टर था उसको ओवरशैडो कर दिया। इंटरनेशनल अगर बात करूँ ना, तो आईफोन ने जब आईफोन X लॉन्च किया था ना, उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस तो 115 या 117 डॉलर्स पे चल रहा था, 120 के आसपास था। जिस दिन आईफोन X लॉन्च हुआ था ना, हालांकि आईफोन X वॉज सपोज टू बी द बिगेस्ट इनोवेशन इन टेक इंडस्ट्री, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि रात को 2-2 बजे से लोग जो है दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे और माइंड बॉगलिंग सेल्स होंगे। जिस दिन आईफोन X लॉन्च हुआ था ना, उस दिन उसका शेयर प्राइस तकरीबन 12 या 13% डाउन हुआ था। उसका रीजन क्या था कि दैट फैक्टर वॉज प्राइस्ड बिफोर दैट अनाउंसमेंट। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपकी वाली बात जो सेमीकंडक्टर्स की है या प्रॉफिटेबिलिटी की है, वो होना है, ठीक है। टिल दैट टाइम अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुकी है, और अगेन इसमें आपको चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं कि एक 2 या 3 ईयर्स के लो पे एक चीज़ खड़ी हुई है और वहाँ पे कुछ वॉल्यूम में स्पार्क आ रहा है, अगेन इसमें एक बहुत लंबी स्टडी होती है जो जिसके बेस पर मैं ये बात कर रहा होता हूँ, तो वो अगर बता रहा है कि भाई यहाँ पे वो एक अपनी बेस लाइन को टेस्ट कर रहा है एंड यहाँ से आपको एक बाउंस मिल सकता है, हो सकता है
हो सकता है कि उस बाउंस के बाद आपको ये फैक्टर मिल जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फैक्टर मिल जाए कि भाई वो ताइवान और चाइना वाला जो जो डिस्प्यूट था खत्म हो गया। हाँ। हो सकता है ना, ऐसे नहीं है। अब आप देखिए ना 27,000 पे जब मार्केट थी या क्रूड ऑयल जब -$8 या -$10 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से 130 भी हुआ ना, और 27,000 से मार्केट 48,000 भी गई। हालांकि कोविड का जो इम्पैक्ट था वो 2 साल तक रहा हमारे पास, 2020 मार्च से लेके अभी भी पाकिस्तान में कोविड खत्म नहीं हुआ। डेली आपके पास 2-3% जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा होता है, बट क्या मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया ना, मार्केट हैज प्राइस्ड इन। जब मार्केट अपसाइड पे भी अपना आपको प्राइसिंग करती है ना, तो मार्केट लो साइड पे भी आपको प्राइसिंग कर रही होती है कि भाई थिंग्स आर, वो कहते हैं लेट्स मूव ऑन, द मार्केट ऑलवेज बिलीव्स इन मूविंग ऑन। वो ये नहीं देख रही होती कि चीज़ अगर नीचे जा रही है तो नीचे जाते जाते एक बेस लाइन आ गई है, बेस लाइन आ गई, वहाँ से एक अपसाइड कर्व जो है वो बन सकता है, और यही मार्केट का एक एक, एक नॉर्मल रूल है। वरना आप देखें ना, मार्केट ने पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने 39,600 से आज 42,700 का जो है वो हाई लगाया है एक हफ्ते में। लास्ट वीक मतलब अभी जो मुहर्रम की छुट्टियां, तो इससे पहले 1st of August को मार्केट ने 39,550 या 600 का लो लगाया था। टुडे इट्स एट हाई एट 42,700। तो 3,000 पॉइंट्स मार्केट ने किस बेस पे गेन कर लिए, उसके पीछे सर क्या रीजन से, वो आप थोड़े शेयर करें। सबसे पहले तो अगेन उसमें एक मतलब अगर दुनिया की मार्केट को देखा जाए, जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट दी कि जो यूएस की मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो कह रही है कि मतलब सितंबर में और एक रिसेशन आएगी, अब मार्केट से एग्जिट करें, और यहाँ पे हमारे चले हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, इसलिए हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा अब ओवरकम कर रही है, मार्केट जो है वो थोड़ी स्टेबल होती जा रही है। लेकिन इन फ्यूचर आप इसको कहाँ देखते हैं, अगर यूएस की जो मार्केट है वो भी वहां पर एग्जिट करने को कह रही है, तो हमारे मार्केट में से क्या पॉजिटिव क्या पॉजिटिव चीज है? मैं नहीं समझता कि मार्केट यहाँ से कोई बड़ी मूव ले सके। ठीक है, तो मतलब ये 52 पॉइंट्स का जो स्टेटमेंट आई है, आई डोंट थिंक इट्स सो इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल 42,800 का एक बेसलाइन सपोर्ट था जो मार्केट ने 1.5 साल तक नहीं तोड़ा था। ठीक है, नाउ इट्स हैज बीन ब्रोकन, वो सपोर्ट अब टूट चुका है और मार्केट उससे बहुत नीचे खड़ी हो चुकी थी, 39,600 तक आ चुकी थी। मार्केट ने आहिस्ता 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 रिवर्सल लिया और 42,800 का जो एक सपोर्ट था ना साइकोलॉजिकल, वो अब एक साइकोलॉजिकल टॉप बन गया है। ठीक है, अब उस टॉप को मार्केट को ब्रेक करना होगा, विच इज नॉट सो ईजी। मैंने इसकी अगर आप अपने कैमरे को यहाँ कर सकें तो मैं आपको एक शीट दिखा सकता हूँ। अब देखें ये मार्केट का एक एक सिनारियो मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगेन देखें टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड सम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जिसको मार्केट रिपीट कर रही होती है, और मार्केट दुनिया की हर मार्केट जो है ना वो अपने अपने ट्रेंड को रिपीट कर रही होती है। हम चाहे फैशन की बात करें, चाहे अपने लाइफस्टाइल की बात करें, चाहे खाने पीने की बात करें, हर चीज़ में मार्केट अपने उस हिस्टोरिकल ट्रेंड को जो है वो फॉलो कर रही होती है। यहाँ 2017 में हमने मार्केट को 53,130 का एक हाई लगाते हुए देखा था। उस हाई के बाद मार्केट ने 2018 के अगस्त में ये जो 42,500 की जो बेस लाइन थी ना वो ब्रेक कर दी थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट को बहुत टाइम लगा था इस लेवल को सरपास करने में, इट कुड नॉट डू इट। बहुत अटेम्प्ट्स लिए मार्केट ने, यहाँ से जब मार्केट ने एक बाउंस लेना शुरू किया था और लेते लेते वो यहाँ पर आके दोबारा थक गई थी और फिर दोबारा 42,500 के आसपास आके जो है वो फंसना शुरू हो गई थी। यही अगर हम देखें ना तो 2020 के जुलाई के बाद से मार्केट ने ये जो 42,800 की जो बेसलाइन सपोर्ट थी ना वो नहीं ब्रेक की थी, नाउ इट हैज़ ब्रोकन दैट और मार्केट इसके नीचे खड़ी हो रही है। अब ये देखें 2017 में भी मार्केट को बहुत टाइम लगा था इसके ऊपर होल्ड करने में, यही चीज़ अभी हम यहाँ पे रिपीट होते हुए देख रहे हैं। तो 42,800 इज नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल जो कि मार्केट को शायद बहुत तकलीफ देगा ऊपर आने में। ये एक छोटा सा वो है, बाकी ये कि
इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको आप फिर अपने वीडियो में जो है वो प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स के लिए जो है वो एक बेहतर एजुकेशन जो है वो हो सकेगी इसमें। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी सेक्टर के बारे में कि ये ग्रोथ स्टॉक्स कहे जाते हैं, तो अभी रिसेशन के टाइम पे आपके जो व्यूज है वो आईटी सेक्टर के बारे में क्या है? देखिए मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा एक अच्छी मूव बना चुका है। द होल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सेक्टर, बट इसमें एवेंसियन है या टीआरजी है, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिनमें अपसाइड जो है बड़ी लिमिटेड है, और हो सकता है कि अगले डेढ़ या दो महीने में आपको इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक 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 डाउनसाइड मूव जो है वो नज़र आ जाए। द होल पॉइंट इज के जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं चीज़ों को बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहा होता हूँ। मैं चीज़ों को इस एंगल से नहीं देख रहा होता कि उसका रिजल्ट क्या शो कर रहा है या उसके आउटसाइड फैक्टर्स क्या शो कर रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ एक सिंगल टर्म है चीज़ों को स्टडी करने की, वो है टेक्निकल एनालिसिस। एंड बेस्ड ऑन दैट स्टडी मैंने समझता कि